everyone. My name is Dilip Kumar. I welcome all of you on behalf of our channel, The Biology. Today, I will be delivering a lecture on classification of arthropods. Aaj hum baat karenge classification of arthropods ki. Lecture sunne se pehle, hamare channel ko zaroor subscribe karein और शेयर करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें जैसे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा कि आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज ए अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। आपके बुक में दिए गए पांच क्लासेस आर्थ्रोपोडा के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर वन जो क्लास है वो है मेरोस्टोमेटा। मेरोस्टोमेटा क्या है? मेरोस्टोमेटा मेरोस माइना पार्ट एंड स्टोमा मींस माउथ। मेरोस मींस के पार्ट्स हैं इनकी, ये प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट्स इनके अराउंड होती है, और स्टोमा मींस माउथ। जी, हम जिक्र करेंगे इनके करेक्टर। जो पहला हमारा क्लास है मेरोस्टोमेटा। मेरोस्टोमेटा का जो पहला करेक्टर है, इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेरीन आर्थ्रोपोड्स इन विच माउथ इज सराउंडेड बाय मेनी प्लेट्स। इनमें क्या होता है कि माउथ सराउंड करता है मेनी प्लेट्स को। इसमें हम पहला मिसाल ये देखेंगे लेम्यूलस। लेम्यूलस को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये आपको माउथ नज़र आ रहा है, और माउथ के चारों तरफ छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जो कि प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं चेलीसीरा के साथ। चेलीसीरा क्या है? चेलीसीरा यूज़ करते हैं आर्थ्रोपोड्स टू होल्ड द प्रे एंड टू क्रश द प्रे। पेरिसिल जो चेलीसीरा है, चेलीसीरा में पैर ऑफ मेडीपाल भी होते हैं। मेडीपाल का भी वही काम है, प्रे को अपना होल्ड करना और उसको क्रश करना। ये जो लेम्यूलस है, लेम्यूलस में फाइव पैर ऑफ लेग्स होती हैं। ये नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव पैर ऑफ इसमें लेग्स होती हैं, और इसमें टेलसन होता है। टेलसन का काम होता है डिगिंग करना और बैकवर्ड मूवमेंट करना। इसमें एनस भी है। बुक लंग्स का आपको पता है, जो स्कॉर्पियंस में बुक लंग्स थे उनका आपको बखूबी पता है। जी, इट इंक्लूड्स लेम्यूलस, इसमें लेम्यूलस आता है। लेम्यूलस को किंग क्रेब भी कहते हैं, और जो लेम्यूलस है विच इज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल। इसकी जो शक्ल है, अगर आप इसकी शक्ल को देखेंगे तो आर्क शेप है। इसकी शक्ल हॉर्स शू की तरह है, तो किसी ज़माने में हॉर्स शू को किंग क्रेब भी कहा जाता था। ये अनचेंज्ड है और ये ओल्डेस्ट एनिमल है, अनचेंज्ड है, इसीलिए इसको, क्योंकि बहुत ये पुराना है और ये चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। सेकेंड क्लास है अर्कनिडा। अर्कनिडा में स्पाइडर लाइक आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, जिसमें इट इज अ ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। इसमें टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स आते हैं विथ फोर पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। इनमें फोर पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होती हैं। दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ बुक लंग्स, ट्रेकी, जो कि हमने इंसेक्ट में पढ़ी थी कि ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, और जनरल बॉडी सरफेस से भी ये इनमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। इनमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो है स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस इनमें लार्ज होते हैं, एंड दे पजेस अ स्टिंग एट द एंड ऑफ नैरो सेगमेंटेड पोस्टीरियर एब्डोमेन। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें बॉडी का प्लान तीन होता है। एक होता है इनमें हेड होता है, ठीक है जी, एक इनमें हेड होता है, और एक इनमें थोरेक्स होता है, और एक इनमें होता है क्या, एब्डोमेन।
आपकी बॉडी का प्लान प्लान जो होता है हेड थोरेक्स और इनमें होता है एब्डोमिन। तो ये हम आपको पहले लेक्चर में बताना भूल गए थे, आज रिमाइंडर हो गया। अगर हम देखेंगे इनके करेक्टर अर्कनीटा के, तो इसमें स्पाइडर लाइक एनिमल आते हैं। स्कॉर्पियन की हम बात करेंगे कि इसकी जो पोस्टीरियर जो इसका एंड है, जो एब्डोमिन है, जो सेगमेंटेड जो इसका एब्डोमिन है, इसके एंड पे इसका क्या होता है, इसका स्टिंग होता है, डंग इसका होता है। और दूसरी बात, इसमें इसको ज़रा सा जूम करके हम देख लेते हैं जिसे हमें सही समझ में आए। इस पिक्चर को हम जूम करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इसका सेगमेंटेड जो है एब्डोमेन है, और इसमें लास्ट में इसका जो टेल सन पे क्या है, इसका जो स्टिंग है। अच्छा, एक और इसमें बात कि इसका जो हेड और जो थोरेक्स हिस्सा है, जैसे हमारा हेड और हमारा जो सीना है वो थोरेक्स है, हमारे थोरेक्स में लंग्स होते हैं, हॉर्स होता है, पेयर ऑफ लंग्स और हर्ट्स होते हैं, और नीचे एब्डोमेन में इंटेस्टाइन लिवर वगैरह होते हैं। इनका जो हेड और जो थोरेक्स वाला हिस्सा है वो दोनों के दोनों फ्यूज़ हैं। जब हेड और थोरेक्स दोनों फ्यूज़ होंगे तो इस ट्रम को हम क्या कहेंगे, इस ट्रम को हम कहेंगे सेफालो थोरेक्स। तो इसमें क्या होता है, सेफालो थोरेक्स होता है। अच्छा, इसमें भी चेलीसर है, चेलीसर के पैर हैं, एक छोटा पैर है और एक बड़ा पैर है जिसको मेडीपॉड कहते हैं। ये भी क्या, इसका काम क्या है, टू होल्ड द प्रे एंड टू क्रश द प्रे, प्रे को होल्ड करना और उसको क्रश करने में ये इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर को भी थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं मज़ीद समझने के लिए। अगर इस पिक्चर को स्कॉर्पियन को हम जूम करेंगे तो इसमें आपको नज़र आएंगे कि इसमें फोर पेयर ऑफ लेग्स हैं, 1 2 3 4, ये चार इसकी टांगे हैं और चार इस तरफ, तो ये चार पैर हो गए। और इसका जो पोस्टीरियर एब्डोमेन है उसके लास्ट में क्या है, स्टिंग है, जो मैंने आपको कहा कि इसमें स्टिंग होता है। ठीक है जी। सेकंड इसमें जो एग्जांपल आती है वो है स्पाइडर्स। स्पाइडर्स जो हैं वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज हैं अरेक्निड्स की, और वो कौन सी है, स्पाइडर प्रीडेटर्स हैं। इसमें स्पाइडर प्रीडेटर्स की तादाद स्पीशीज की एरेक्निडा में बहुत ज़्यादा है। दे पजेज सिल्क ग्लैंड विच सीक्रेट प्रोटीन दैट एक्सपोजर टू द एयर फॉर्म। इनमें क्या होता है कि ये प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं, कहाँ से, सिल्क ग्लैंड से। इनमें आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो स्पाइडर वेब हैं उनमें जो सिल्क होती है वो सेकेंडरी प्रोटीन है, जैसे हमारे हेयर है वो भी सेकेंडरी प्रोटीन होती है। ये जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सिल्क थ्रेड्स यूज्ड इन बिल्डिंग नेस्ट, जो वो अपना घर बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। एंड वेब्स फॉर ट्रेपिंग द प्रे, जो प्रे को ट्रेप करते हैं उनमें भी इसको, सिल्क थ्रेड को यूज़ करते हैं। ये इनका जो है नेट बना हुआ है, नेस्ट बना हुआ है, और ये जो है अपने शिकार को किस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं। जैसे इस स्पाइडर मैन एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसमें भी सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल किया गया था। ये आ गई जी सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइडर मैन विच रिलीज सिल्क। क्लास नंबर 3 है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के हम थोड़े से करेक्टर देखेंगे कि क्रस्टेशिया में क्या होता है। इसमें होता है क्या, केरापेस, केरापेस बनता है इसमें जी, देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स प्रॉन, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, क्रेप्स एंड मेनी अदर, इनमें ये सारे जानदार आते हैं। इनकी हैबिटाट क्या है, हैबिटाट मैरीन है, फ्रेश वाटर एंड इवन टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स, मीन्स के जानदार। इनमें मेरीन भी है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इज द ओनली सोर्स ऑफ रेन, जो पानी बरसात से आता है उसको फ्रेश वाटर कहते हैं, मीठा पानी, और ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। इट पजेस टू पेयर ऑफ एंटीना, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स मीन्स के लोअर जॉ, एंड टू पेयर ऑफ मैक्सिली अराउंड द माउथ। इनमें मैंडिबल, इनमें मेंडियल, मेंडिबल और मैक्सिली होते हैं, मीन्स के अपर जा और लोअर जा होते हैं। मैक्सिली मीन्स लोअर,
maxilli means upper and mandible means a lower jaw. ठीक है, देख लेते हैं फिगर में भी. इनमें पैर ऑफ एंटीना होते हैं जो के फीलर्स हैं जो के डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, और पैर ऑफ मैंडिबल और पैर ऑफ मैक्सिला अराउंड द माउथ होते हैं. दूसरी बात इसमें कि इसमें क्या होता है, केरापेस होता है. केरापेस क्या है, केरापेस एक एक्सोस्केलेटन है, कवरिंग है इसके बाहर जो सेफालोथोरिक है, जो सेफालोथोरिक है उसके बाहर जो कवरिंग है, जो एक्सोस्केलेटन है उसको केरापेस कहते हैं. क्रस्टेशिया में जो एग्जांपल्स आती हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे. प्रॉन आता है, और प्रॉन को जब हम देखेंगे तो इसमें हेड और थोरेक्स दोनों के दोनों फ्यूज़ हैं. जब हेड और थोरेक्स फ्यूज़ होंगे तो उसको सेफालोथोरेक्स कहेंगे, और इनकी कवरिंग के बाहर जो एक्सोस्केलेटन है उसको हम क्या कहेंगे, केरापेस कहेंगे, जैसे कि स्कॉर्पियन में था. देर अपेंडेजेज आर मोडिफाइड, इनके अपेंडेजेज मोडिफाई हैं किसके लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फीडिंग खाने के लिए, और इनमें जो रेस्पायरेशन होती है, इनमें रेस्पायरेशन भी होती है एंड एक्सेसरी रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर, इनमें एक एक्सेसरी रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर भी होता है. ये जो एक्सेसरी रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, ये एक सिस्टम होता है एयर चेम्बर का जो कि बनता है आउट ग्रोथ ऑफ माउथ एंड गिल्स. जब माउथ और गिल्स में आउट ग्रोथ होती है तो उसमें चैम्बर्स बनते हैं जिनको के एयर चैम्बर कहते हैं. फाइव पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, इनमें फाइव पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं. ये प्रॉन की फिगर भी आ गई, चलो इसको ज़रा सा जूम करके देख लेते हैं कि इनमें और क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं. यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये एक्सोस्केलेटन है, और एक्सोस्केलेटन ने कवर किसको किया हुआ है, हेड को और थोरेक्स को जो कि आपस में फ्यूज़ हैं. जब हेड और थोरेक्स दोनों फ्यूज़ होंगे तो इसको कहेंगे सेफालोथोरेक्स. ये एंटी टेस्ट में सवाल आ भी सकता है, कवरिंग ऑफ सेफालोथोरेक्स इज कॉल्ड केरापेस. ठीक है जी, इनमें कंपाउंड आइज होती है और इनमें पेयर ऑफ एंटीना होते हैं जो कि फीलर्स का काम करते हैं. ठीक है, और इसमें टेल होता है, टेलसन होता है, वॉकिंग लेग्स होती हैं, एब्डोमेन सेगमेंटेड, यहाँ पे ये जो सेगमेंट नज़र आ रहे हैं सेगमेंटेड एब्डोमेन होते हैं. मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉन जिसको झींगा कहते हैं इसका पुलाव बड़ा डिलीशियस बनता है, कभी खा के ज़रूर देखिएगा जी. मेजॉरिटी ऑफ केराटेशियंस आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग होती है इनकी मेजॉरिटी, वेयर एज फ्यू, इनमें से कुछ जो हैं वो क्या होते हैं, सेकोलीना जैसे है वो पैरासाइट की तरह होते हैं, दे गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग टिश्यू. और ये भी बात आपने याद रखनी है कि पैरासाइट सेकोलीना है, और जो माइक्रोस्कोपिक जो फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलते हैं वो डेफेनिया है और साइक्लोप्स है. ये नाम आपको याद रखने हैं. इनकी अगर इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंस हम पहले ही कह चुके हैं कि जो केराटेशियंस हैं उनको खाने की तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रॉन है, श्रिम्प्स है और लॉबस्टर है उनको यूज़ करते हैं एज अ फूड. क्लास नंबर फोर जो है वो है मायरियापोडा. जो मायरियापोडा है, मायरियापोडा, मायरिया मीन्स मैनी एंड पोडा मीन्स लेग. मायरिया मीन्स मैनी एंड जो पोडा है, पोडा की माना क्या है, पोडा मींस लेग्स. मायरियापोडा में क्या होता है कि इनमें वो जानवर आते हैं, वो सॉरी जानदार आते हैं जिनमें के बहुत सारे लेग्स होते हैं. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड एंड अ वेरी लॉन्ग ट्रंक कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सिमिलर सेगमेंट्स. इनमें क्या होता है, एक हेड होता है और एक जो है लॉन्ग ट्रंक होता है. ठीक है, और वो ट्रंक क्या होता है, सेगमेंटेड होता है. ये देखें आपको पोर्शन नज़र आ रहे हैं, सेगमेंटेड नज़र, वो सेगमेंट एक जैसे होते हैं. ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें सेगमेंटेशन मौजूद है. ठीक है, ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इनकी लाइफ क्या है, हिडिंग हिडन लाइफ है. ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, ये बात याद रखिएगा कि जो मायरियापोडा है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, और इनमें बहुत सारे लेग्स होते हैं
जो लॉन्ग एक ट्रंक, जैसे एक दरख्त की ट्रंक होती है, एक जो ट्रीज होता है, ठीक है, इस तरह एक लॉन्ग ट्रंक होती है, ठीक, उसमें सेगमेंटेड ट्रंक होती है। जी, द हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीना। हेड में दो एंटीना होती हैं जो फीलर्स का काम करती है, एंड ट्रंक प्रोवाइडेड विद पेयर ऑफ लेटरल अपेंडेजेस। इनकी लेटरल और वेंट्रल डॉर्सल में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, और इसके लेटरल साइड पे हर एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग्स होता है। इसको जूम करके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें पेयर ऑफ लेग्स है। ये देखें जी, इसमें जो ये एंटीना है पेयर ऑफ, और ये हर एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग्स मौजूद है। आगे चलते हैं जी, सेंटीपीड्स विथ वन पेयर। सेंटी मीन्स हंड्रेड। सेंटीपीड्स में एक पेयर होता है एक सेट में सेगमेंट में, और मिलीपीड्स, मिली मीन्स थाउजेंड, इसमें थाउजेंड नहीं होते, इसमें होते हैं सौ या डेढ़ सौ या दो पचास होंगे, मगर मिलीपीड्स, मिलीपीड्स विथ टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस पर सेगमेंट। और सेंटीपीड और मिलीपीड में क्या फ़र्क है? अब देखिए, मिलीपीड और सेंटीपीड में फ़र्क क्या है? जो मिलीपीड है उसके हर एक सेगमेंट में दो पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, टू पेयर, दो पेयर होते हैं किसके, लेग्स के, एक सेगमेंट में। और जो ये सेंटीपीड है, सेंटीपीड में क्या होता है कि एक पेयर होता है हर एक सेगमेंट में, ये फ़र्क है। इसको जूम करके देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है मिलीपीड और सेंटीपीड में। ये देखें कि मिलीपीड है, मिलीपीड में ये आप देख सकते हैं कि ये एक सेगमेंट है, और एक सेगमेंट में कितने, दो पेयर हैं। ये दो पेयर आपको इस साइड से नज़र आ रहे हैं, उस साइड पे भी दो पेयर होंगे, मीन्स के इसमें एक ही सेगमेंट में चार जो हैं लेग्स हैं, ठीक है। मोस्ट बॉडी सेगमेंट्स हैव टू पेयर ऑफ लेग्स। और सेंटीपीड में आप देखेंगे मोस्ट बॉडी सेगमेंट हैव अ वन पेयर ऑफ, ये देखें ये सीधा नज़र आ रहा है, ये एक सेगमेंट है, ये एक लेग यहाँ पे, एक लेग यहाँ पे, मीन्स के एक पेयर है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेंटीपीड हैं उसमें एक पेयर होता है लेग का, और मिलीपीड में पर सेगमेंट दो पेयर होते हैं। जी, क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा मीन्स सिक्स, पोडा मीन्स लेग, जिसमें के छह टांगे होती हैं। लार्जेस्ट क्लास है, 90% ऑफ आर्थ्रोपोड स्पीशीज इसमें आती है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस क्लास इज आल्सो कॉल्ड हेक्सापोडा, पजेस वन ऑन देयर, दे पजेसेस ऑन देयर थोरेक्स थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ये देख लेते हैं कि इसको जूम करके देखते हैं कि इसका जो थोरेक्स हिस्सा है उसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। इसका ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है ये थोरेक्स पोर्शन है, इसमें एक ये टांग नज़र आ रही है, एक ये, मीन्स के ये तीन पैर छह टांगे हो गई। सिक्स लेग्स आर अटैच द थोरेक्स, थोरेक्स पे सिक्स लेग्स अटैच होती हैं, और ये विंग्स भी अटैच होते हैं कहाँ पे, थोरेक्स में। और इनमें कंपाउंड आइज होती हैं, एंटीना होता है, ये यूज़ करते हैं किसके लिए, स्मेलिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, जो इंसेक्ट हैं वो यूज़ करते हैं। आपने बात ये याद रखनी है कि जो ये थोरेक्स हिस्सा, ये हेड हो गया, ये थोरेक्स और ये एब्डोमेन हो गया, थोरेक्स में सिक्स लेग्स हैं और विंग्स होती हैं। जी, इसको और मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा, इनकी स्टडी को एंटामोलॉजी कहते हैं, इंसेक्ट की स्टडी को। इसको ज़रा सा और जूम करके देखते हैं, ये एंटीना नज़र आ रही है, और हिंड विंग्स जो पीछे की तरफ होते हैं, और फ्रंट विंग्स सामने की तरफ से। ये विंग्स और लेग्स कहाँ पे हैं? विंग्स और लेग्स थोरेक्स हिस्से में मौजूद होती हैं। जी, इनकी स्टडी को, मेंबर ऑफ दिस लार्ज ग्रुप आर कॉल्ड इंसेक्ट, इनमें जो भी मेंबर आते हैं उनको इंसेक्ट कहा जाता है, एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। जब हम इंसेक्ट को पढ़ते हैं तो उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे। इंसेक्ट की अगर हैबिटेट देखेंगे तो ये हर जगह पे मौजूद होते हैं, मगर इनकी जो मेजॉरिटी है वो टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पे हैं। द सक्सेस ऑफ इंसेक्ट इज़ ड्यू टू फ्लाइट, ये जो उड़ते हैं उनकी ये इनकी सक्सेस ही यही है। इस सक्सेस के बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे। इन फ्लाइंग इंसेक्ट वन आर टू पेयर ऑफ विंग्स डेवलप
dorsally on thorax. Dorsal आपको view मैंने बताया था, ventral view मैंने आपको बताया था कि ये thorax पे dorsal side पे two pair of wings होते हैं. Insect with rings is called pterygota. जिनमें wings होंगे उनको pterygota कहेंगे. और whereas the group without wings, जिनमें wings नहीं होंगे उनको pterygota कहेंगे. A means without. Many types of specialized mouth part to suit their mode of feeding. इनमें कई specialized mouth होते हैं इनके खाने के हिसाब से. चलिए देख लेते हैं कौन से माउथ होते हैं. इन कॉकरोच बाइटिंग एंड चिविंग, बाइटिंग करते हैं चिविंग करते हैं. और इन मॉस्किटो पेरसिंग और सकिंग, ये पिनिंग करते हैं और सक करते हैं ब्लड को. इन हनी बी चिविंग और लेपिंग होती है. इन हाउस फ्लाई स्पॉन्गिंग करते हैं हाउस फ्लाई. और इन बटरफ्लाई में साइफोनिंग होती है, इनमें साइफोनिंग होती है जी. दे मोस्टली इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, इनमें मोस्टली तो ये अकेले ही रहते हैं. अ फ्यू एंट्स एंड टर्माइट्स एंड हनी बीज लिव इन लार्ज कॉलोनीज विथ अ मॉब डिवीजन ऑफ लेबर एंड आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. ये सोशल, मगर इनमें कुछ जो हैं वो सोशल इंसेक्ट हैं क्योंकि वो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं और वो ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे का काम करते हैं. इनमें मॉक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जैसे कि हनी बी हो गई, जैसे कि एंट्स हो गई, ठीक है ना. वो मिल के साथ ग्रुप की शक्ल में रहते हैं. Flies and mosquito are involved in transmissions of many disease. Flies और जो mosquito हैं वो transmission करते हैं बहुत सारी बीमारियों में, बीमारियों के वो transmission करते हैं, जैसे cholera हो गई जिसमें vomiting होती है और diarrhea होती है. Dysentery, dysentery भी एक diarrhea का किस्म है जिसमें blooding और mucus type आता है और washroom बार बार आता है. एंड मलेरिया, मलेरिया आपको पता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है जो मच्छर ट्रांसफ़र करता है. फ्लियाज आर एक्ट्रोपेरासाइट्स ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स वेयर एज रेट फ्लियाज आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशंस ऑफ डेडली ह्यूमन डिजीज प्लेग. जो फिलियाज हैं वो क्या करते हैं, वो एक्ट्रोपेरासाइट हैं जो कि वार्म ब्लडेड जो ह्यूमन बींग्स हैं या बर्ड्स हैं उनमें से ये ब्लड को सक करते हैं और ये ट्रांसमिशंस करते हैं जरासीम की, जर्म्स की. जैसे बैक्टीरिया, एक टाइप का बैक्टीरिया है जो रेट फ्लाइज जिसको कहते हैं, रेट फ्लाइज फिलियाज, रेट से जो फिलियाज है वो बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन बींग्स में और एक डिजीज़ हो जाती है जिसको प्लेग कहते हैं, जिसमें एब्डोमेन एब्डोमेन पेन, वोमिटिंग होती है, वीकनेस होती है. ये बैक्टीरियल डिजीज है जी. ग्रॉस हॉर्पर मॉथ्स बटरफ्लाइज एंड बीटल्स आर रिगार्डेड एज अ पेस्ट ऑफ प्लांट्स. ये पेस्ट ऑफ प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद हैं. जो नुकसानकार जो फ़ायदा देते हैं प्लांट्स को, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Cockroach are very common in warm, damp places, including our kitchens and bathroom. Bathroom में हमेशा चिल्लाने की आवाज़ आती है cockroach. तो ये cockroach chicken और kitchen और bathroom में पाए जाते हैं जी. Whereas silver fish actually, and ये याद रखिएगा कि जो silver fish है इसको fish नहीं समझेगा, ये insect है. और ये बुक और शेल्फ में हमें मिलती हैं. इसको सिल्वर फिश इसलिए कहते हैं, इसका कलर जो है वो सिल्वर ब्लू कलर है और इसकी जो मूवमेंट है वो फिश की तरह है और इस पर स्केल मौजूद होते हैं, इसलिए इसको सिल्वर फिश कहते हैं. ये लीजिए जी, सिल्वर फिश आ गई जो कि फिश की तरह मूवमेंट करती है पानी में, इसलिए इसको सिल्वर फिश कहा जाता है. मगर ये इंसेक्ट है, ये आपने याद रखना है. चैप्टर नंबर 10 टॉपिक नंबर 8 के चौथे और फाइनल हिस्से में हम पहुंच गए हैं. इंसेक्टा अ सक्सेसफुल ग्रुप क्यों है,
found everywhere in the earth. Duniya mein har kisi jagah pe ye maujood hain. From lowland up to the top of Himalaya. Zameen se nichli sitah se leke upar Himalaya ki chotiyon tak bhi aapko Himalaya ki top most place pe bhi aapko ye milenge. And from hot spring to Antarctica, jo hot jagah hai, ye jahan pe temperature 64 centigrade hota hai, jo northern south pole hai, wahan pe bhi ye milenge. Ji, this great diversity of habitats has become possible. Ye inki jo diversity hai, inki jo biodiversity hai, ye jo phele hue hai puri duniya mein, inki wajah kya hai? Inki wajah hai kya? Inki wajah hai due to, dekhte hain, due to modification. Kis mein? Structural modification, they develop structure mein modify, inka brain hua, senses modify hue, mouth part modify hue, protective exoskeleton, wings hain inke paas, jointed appendages hain inke paas. Aur physiologically modification bhi ki hai inhone, production of variety of digestive enzyme inhone produce ki hai, high reproductive potential rate hai aur metamorphosis ka inhone process hota hai, and reproduction again and again produce new young one बहुत तेजी से होता है और ये social हैं ये हमारी तरह नहीं हैं ये मिलके रहते हैं ये social हैं they live in coordinate society which increase the adaptability to environment ये environment को मिलके रहने में adopt कर देते हैं and enhance the chance of survival और इनको वहाँ पे survive करने का मौका मिल जाता है तभी ये survive करते हैं इस लफ्ज को याद कीजिएगा एंटार्कटिकन एंटार्कटिकन कहते हैं किसको साउथ पोल को ठीक है वहां पे जो है टेंपरेचर 64 सेंटीग्रेड होता है वहां पे भी ये सर्वाइव करते हैं आज के लिए इतना ही काफी हमारे नए लेक्चर सुनने के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लेक्चर को शेयर करें Share karein. Thank you so much.